सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से है। जो विद्यार्थी IAS बनना चाहते हैं परंतु पैसे के अभाव में वो अच्छी जगह कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 19 मई 2022 को एक प्रेस रिलीज जारी किया था और इसमें कहा गया था कि RCA जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया क्या रेजिडेंशल कोचिंग है, वहाँ पर उसने जो है GMI ने इनवाइट एप्लीकेशन फॉर फ्री IAS 2022-23 कोचिंग, यानी जो विद्यार्थी 2022-23 के लिए IAS की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो RCA है उसमें, यानी रेजिडेंशल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको जो है डिटेल से बताऊँगा। दरअसल ये प्रेस जारी किया है जामिया मिलिया इस्लामिया में द रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, यानी RCA जिसको बोलते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया GMI इनवाइट एप्लीकेशन फॉर फ्री कोचिंग, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया ने RCA की तरफ से जो RCA जो है फ्री कोचिंग कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराता है, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी विद्यार्थियों को दी जाती है। वो प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ये कोचिंग दी जाती है और ये 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए कोचिंग आपको दी जाएगी। इसमें जो माइनॉरिटी SC ST और वुमेन कैंडिडेट ये जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, यानी माइनॉरिटी SC ST और वुमेन कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून है। 15 जून से पहले आपको ये ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है जमा करना है, इसकी अंतिम तिथि है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में स्थापना के बाद से लेकर जो है RCA ने लगभग 245 से अधिक, यानी 245 से अधिक जो RCA है अभी तक सिविल सेवकों और अन्य केंद्रीय राज्य सेवाओं में 376, यानी सिविल सेवकों में 245 और अन्य सेवाओं में 376 विद्यार्थियों को दे चुका है, जिनमें जो टॉप रैंकर हैं उसमें सबसे टॉप रैंक पर जो रहे थे वो हैं मिस्टर जुनेद अहमद, जो ऑल इंडिया रैंक में तीसरी पोजीशन पर आए थे, जुनेद अहमद हैं। फिर फाजिल अकील अहमद, जो कि ऑल इंडिया रैंकिंग इनकी 17 रही थी। और ये जो यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी वी कंडक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन 2 जुलाई 2022, यानी 2 जुलाई 2022 को जो 10 केंद्र हैं RCA के, जामिया मिलिया इस्लामिया के 10 केंद्रों पर एक एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इसके 10 सेंटर हैं, वो 10 के 10 सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं, दिल्ली में, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु और यहाँ पर ये मलप्पुरम केरला के अंदर है। तो 10 सेंटरों पर ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, जो कि 2 जुलाई को आयोजित की जाएगी। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो आगे की अगर आपको और भी जानकारी दी गई चाहते हैं तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पर जाकर पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये जो RCA है यहाँ पर जो है आपको 24 घंटे, यानी 24/7 लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, यानी 24 घंटे पुस्तकालय सुविधा और एक पारिस्थितिक तंत्र के साथ वंचित छात्रों को मुफ्त कोचिंग और प्रगतिशील प्रदान करता है, जो सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। ये जो कोचिंग सेंटर है ये देश के बेस्ट इन
वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, यानी सर्वश्रेष्ठ कोचिंग सेंटरों में से एक कोचिंग सेंटर है जो कि आपको कोचिंग की सुविधा प्रदान करता है। और इसके अंदर आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी, इसी के साथ साथ आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अंदर माइनॉरिटी एससी एसटी और वोमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून है, ये याद रखनी है आपको, 15 जून लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम इसका 2 जुलाई को 10 सेंटरों पर आयोजित की जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप देर ना करें और आरसीए में ज़रूर एडमिशन लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो प्यारे बच्चों, मेरी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पहुँचाओ ताकि वो आरसीए में आवेदन कर सकें और उसमें अपना सिलेक्शन पा सकें। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।